नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो पश्चिम बंगाल में प्रकृति के प्रकोप ने 27 जान ले ली। जी, 27 लोगों के मारे जाने का कारण आसमान से गिरने वाली बिजली है। वज्रपात की वजह से पश्चिम बंगाल के 27 परिवारों में आज मातम है। सरकार ने इन पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन हम जी न्यूज में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। हम आपको आसमानी बिजली के गिरने के वैज्ञानिक कारण की पूरी जानकारी देंगे और साथ ही आपको वज्रपात से बचाव का तरीका बताएंगे, क्योंकि जी न्यूज पर हमारी कोशिश सिर्फ समस्या दिखाना नहीं, समाधान आप तक पहुंचाना होता है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये पूरी खबर देखिए मेरे सहयोगी पूजा मेहता की इस रिपोर्ट में। ये रोते बिलखते लोग प्रकृति के प्रकोप से ग्रस्त, आसमान से बिजली गिरी और इनके परिवार में मातम छूट गई। पश्चिम बंगाल में आसमान से गिरने वाली बिजली ने अलग अलग घटनाओं में करीब 27 लोगों की जान ले ली। कुदरत के कहर की वजह से मातम सिर्फ यहाँ नहीं है। हुगली जिले में 11 घर हैं जहाँ वज्रपात ने मौत बांटी है। 9 लोग मुर्शिदाबाद में आसमानी बिजली की चपेट में आ गए। बांकुरा, पूर्व और पश्चिमी मिदनापुर में वज्रपात में 2-2 लोग मारे गए और एक व्यक्ति की नादिया में बिजली गिरने से मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में कुल 27 लोगों की जान गई है बिजली गिरने के वजह से। 11 लोगों की जान गई है हुगली जिले में, 9 की मुर्शिदाबाद में, 2-2 लोगों की जान गई है पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, बांकुड़ा में और एक की जान गई है नदिया जिले में। सरकार का कहना है कि काम से घर लौटते हुए या खेतों में काम करते हुए लोग वज्रपात का शिकार हो गए। बारिश के मौसम ने तो महज अभी दस्तक ही दी है और पश्चिम बंगाल में 27 जिंदगी आसमानी बिजली का शिकार हो गई। आज यहाँ आपको हम ये बताएंगे कि आखिर क्यों गिरती है बिजली, क्या है वो वैज्ञानिक कारण जिसकी वजह से वज्रपात होता है और जिंदगियां जल जाती हैं। जब पॉजिटिव चार्ज्ड जो आयंस होता है वो एटमॉस्फेयर का नीचे पार्ट में आता है और जो नेगेटिव चार्ज का होता है वो अपर पार्ट में रह जाता है। वो अपर पार्ट में 2 नेगेटिव चार्ज का आधार में कॉलिशन होता है। इट इज द मेन कॉज ऑफ लाइटनिंग। पश्चिम बंगाल में हुई 27 मौतों पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है और मारे गए व्यक्तियों के परिवार के लिए 2,00,000 रुपए और घायल व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से मरने वालों के परिवार एवं रिश्तेदारों से मेरी संवेदना, घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के जो नेशनल सेक्रेटरी है, अभी फिलहाल उनको जनरल सेक्रेटरी के पद पर एलिवेट किया गया। अभिषेक बनर्जी इन सारे जिलों में जाएंगे और जो प्रभावित फैमिलीज है उनसे मिलेंगे और राज्य सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद की जाएगी उसके भी जो चेक है उनको हैंडओवर करेंगे। साल भर पहले करीब करीब यही वक्त था जब बिहार और झारखंड में बिजली गिरने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। मौसम फिर बदल रहा है, आसमान से फिर बिजली गिर रही है। अक्सर पेड़ों पर और ऊंची इमारतों पर वज्रपात होता है। इंसानों पर बिजली गिरने की आखिर क्या वजह है? एंड्रॉइड फोन सेट शुड नॉट बी यूज्ड, दैट विल मेक सेफ टू यू एंड नॉट ओनली दैट द टेलीफोन टावर्स, यू हैव टू अवॉइड टेलीफोन टावर्स। हर साल बिजली गिरने से न सिर्फ पश्चिम बंगाल और बिहार बल्कि देश के कई राज्यों में बिजली गिरने से होने वाली मौतों का आंकड़ा सैकड़ों में होता है। कोई तो वैज्ञानिक जवाब होगा इस कुदरती आफत का, कोई तो ऐसी तरकीब होगी जो पहले ही बता दे कि बिजली गिरने वाली है।
एक्चुअली द थिंग इज दैट देयर आर टू सैटेलाइट्स नोआ एंड गोएस आर. दीज सैटेलाइट्स कैन इजीली प्रेडिक्ट द ऑकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म्स. बिजली गिरने से होने वाली मौतों पर मुआवजा समाधान नहीं है. पीड़ितों के परिवार से मुलाकात से उनका दर्द दूर होने वाला नहीं है. जरूरी यह है कि दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को आसमानी बिजली के वैज्ञानिक सत्य के प्रति जागरूक किया जाए. पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता. तो अभी आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी सुना पर्यावरण वैज्ञानिक को आपको ये बताते हुए कि आखिर क्या वजह है कि आसमान में चमकने वाली बिजली का प्रकोप धरती पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है. एक बार फिर से आपको वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से बताते हैं कि क्यों आसमानी बिजली गिरती है. दरअसल वज्रपात इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है. बारिश के समय में बादल आपस में टकराते हैं और इस टक्कर में घर्षण होता है. इसी घर्षण से बिजली पैदा होती है. ऐसा तब होता है जब बादल में मौजूद हल्के कण ऊपर चले जाते हैं और ये हल्के कण ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि भारी कण नीचे जमा हो जाते हैं और इनमें नेगेटिव चार्ज होता है. जब यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तब उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है. यानी ये बिजली पृथ्वी पर गिरती है जिसकी रफ्तार करीब करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है. आपको बता दें ज्यादातर बिजली बादलों में बनती है और अक्सर बादलों में ही ये बिजली खत्म भी हो जाती है. बिजली में अत्यधिक गर्मी यानी हीट की वजह से आप तेज आवाज सुनते हैं, गर्जना सुनते हैं. आप ये समझिए कि वज्रपात में लाखों करोड़ों वोल्ट की ऊर्जा होती है. और वज्रपात की वैज्ञानिक जानकारी के बाद अब हम आपको भारत सरकार के उस ऐप के बारे में बताना चाहते हैं जो बिजली गिरने की सूचना आपको पहले से ही दे देगी ताकि आप सावधान हो सकें. और इस ऐप का नाम है दामिनी ऐप. पिछले साल यूपी बिहार समेत 100 लोगों की जान गई थी बिजली गिरने के वजह से. अगर हम एक्सपर्ट्स की माने और अगर जान बचानी हो तो डिवाइस से ज्यादा अवेयरनेस पर जोर दिया जा रहा है. अगर मौसम विभाग ठीक समय पर अगर प्रिडिक्ट कर देता है कि थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होगा और राज्य सरकार की ओर से अनाउंसमेंट की जाती है और अगर अवेयरनेस की जाती है तो लोगों की जान बच सकती है. लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की ओर से एक ऐप को डेवलप किया गया है. हम आपको दिखाते हैं. इस एप्लीकेशन का नाम है दामिनी और ये केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की तरफ से इसको डेवलप किया गया है. इसका पूरा फोकस है लाइटनिंग अलर्ट जारी करने का. हम आपको बताते हैं चूंकि हमारी लोकेशन फिलहाल कोलकाता है तो यहां पर आप देखिए ये कोलकाता लोकेशन दिखा रहा है. ये हमारी लोकेशन दिखाता है. ये जीपीएस से जोड़ता है, लोकेशन सर्विस से जोड़ता है ये ऐप और आपके इलाके में कब लाइटनिंग होगा उसका अलर्ट देता है. मैं आपको दिखाती हूं फिलहाल के लिए इस इलाके में कोई लाइटनिंग अलर्ट नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो लाइटनिंग वार्निंग. आप देखिए यहाँ पर जो है मैसेज है लेकिन जब समय होगा थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग का तो यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पर इस इलाके में इतने बजे जो है लाइटनिंग हो सकती है. लेकिन हमारे लोकेशन के 20 किलोमीटर रेडियस में या फिर 40 किलोमीटर के रेडियस में फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है. लेकिन ये ऐप बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है लिहाज से क्योंकि यहाँ पर एक टैब है जिसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन. अगर आप इंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाइटनिंग इंस्ट्रक्शन जिसमें आप देखिए किस तरीके से आपको लेटना है, किस तरीके से आपको सांस लेनी है जब बिजली गिरती है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको क्या करना है, क्या डूज एंड डोंट्स है. आप देखिए यहाँ पे डोंट्स का कॉलम है कि आपको घर के अंदर रहना है, आपको इंडोर्स रहना है, कोई कॉन्क्रीट अगर बिल्डिंग है तो वहां पर रहना है और अगर आप बाहर है तो आपको ट्राई करना है कहीं आप शेड ले ले ताकि आपकी जो बॉडी है वो कम से कम एक्सपोज हो और आप बिजली कड़कने से जो है आपकी जान न जाए. साथ ही अगर आप गाड़ी में हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किसी एक जगह पर खड़ा होना है, दरवाजों को और खिड़कियों को पूरी तरीके से बंद रखना है तो आप सेफ रह सकते हैं. साथ ही आप देखिए यहां पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आखिरकार आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है जब बिजली कड़कती है. तो बेहद महत्वपूर्ण है ये ऐप. इसका नाम है दामिनी ऐप और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की ओर से डेवलप की गई है, केंद्र सरकार ने बनाई है
और फोकस इसका यही है कि कब बिजली कड़केगी, किन इलाकों में और कितने बजे कोई थंडर स्टॉर्म हो सकता है। राज्य सरकार और साथ में जो मेट एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर अवेयरनेस या फिर जानकारी ठीक समय पर दी जाती है तो इस तरीके की जो है लोगों की जान नहीं जाएगी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कुछ ही मिनटों में और 24 घंटों के अंदर 27 लोगों की जान गई है बिजली गिरने के वजह से। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि दामिनी ऐप आपको इस बात की जानकारी देगा कि बिजली कब गिरने वाली है, लेकिन फिर भी इस आसमानी आफत से बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आपकी सावधानी। हम आपको वो 10 उपाय बता रहे हैं जो वज्रपात से यानी बिजली से आपकी जान बचा सकते हैं। आंधी आते ही टीवी कंप्यूटर का पार ऑफ कर दीजिए, आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऑफ कर दीजिए फौरन। आंधी बारिश के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल से भी आप बचिए। नंगे पांव जमीन पर खड़े नहीं रहिए, पेड़ के नीचे और खुले मैदान में भी आपको जाने से बचना है। अभी आपने सुना कि ज्यादातर लोग अपने खेतों से लौट रहे थे या सड़क पर थे, खुले मैदान में होने पर किसी बिल्डिंग में जाकर आप शरण ले सकते हैं। जरूरी ना हो तो कोशिश कीजिए आपको घर से बाहर ही ना निकलना पड़े। घर की खिड़कियों को दरवाजों को आप बंद कर दीजिए। वाहन और बिजली के पोल या फिर मशीन से आपको खुद को दूर रखना है। साथ ही धातु से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करने से भी आपको बचना है, नहीं करना है। तो हमने आपको ये बताया कि बिजली गिरने की एक बहुत बड़ी वजह बारिश का मौसम, आंधी में मोबाइल का इस्तेमाल है। बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 27 लोगों की मौत हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खतरा अब टल चुका है। बारिश के मौसम की तो अभी शुरुआत हुई है, जैसा कि आपने मेरी सहयोगी पूजा मेहता को भी ये कहते हुए सुना। लिहाजा पश्चिम बंगाल के सिंगूर की पुलिस आम लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि बारिश और आंधी के वक्त घर पर ही रहना है और इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना है। खुले में हो या पेड़ के नीचे हो तो मोबाइल के इस्तेमाल से बचना है, ये अपील सुनिए आप। इलेक्ट्रिक जो सामग्री रही है तार बोर्ड से विच्छिन्न कर रखू। सिंगूर थानार पक्ष से जनसाधारण उद्देश्य जाना जा प्राकृतिक विपर्य बाज पड़े अनेक मानस मारा जा समय अपना क्यों मठे जाबें ना, रास्ता थकबें ना, बाड़ी भेतरे थकबें और बाड़ी भेतरे जो इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अपने अपने लेवल पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो एहतियात बरतें वज्रपात को लेकर। आपको अब जल्दी से हम पिछले 5 साल में वज्रपात से भारत में कितनी मौत हुई है उसका आंकड़ा दिखाते हैं। ये आंकड़ा एनसीआरबी द्वारा जारी किया गया है। साल 2015 में ध्यान से देखिए 2641 लोगों की मौत, 2016 में 3315 लोगों की मौत, 2017 में 2885 लोगों की मौत, 2018 में 2357 लोगों की मौत और 2019 में 2876 लोगों की जान वज्रपात की वजह से हो गई। जी न्यूज पर हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप एहतियात बरतिए और जो हमने आपको सावधानी बताई है उन पर जरूर अमल कीजिएगा। चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.